चित प्रकट होना। दूसरा हम लोग घटना ले लेते हैं E2, दो चित प्रकट होना, दो चित प्रकट होना। तो दो गो हेड देखिए कहाँ कहाँ आया हुआ है आपका, इन तीनों में होगा, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड। यानी अगर इसमें परिणामों की संख्या बात करेंगे तो इसमें तीन गो है। अगर हमें यहाँ प्रायिकता निकालनी है E2 की, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन E2 और बाय में नंबर ऑफ एलिमेंट प्रति दर्श सेमेस्टर में, तो यहाँ 3 और बटा में 8 हो जाएगा। चलिए।